Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं एनडीए जो है वो परेशान है और परेशान होने की वजह चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारा से। जी हाँ, बात करें तो लगातार चिराग पासवान जो है वो 6 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं उनके चाचा पशुपति पारस भी सिटिंग एंड गो वाली जो नियमें होती है उस पर चलते नजर आते हैं। और आपको पता होगा कि पशुपति पारस के खाते में 5 सांसद हैं, तो वो 5 लोकसभा सीट तो किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी से चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल उतनी आसान नहीं है। और चिराग पासवान भी अपने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हनुमान कहते थे, वो भी अब जो हैं वो खिलाफत की बिगुल लगातार फूंकते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में जो बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए किस तरीके से चाचा और भतीजे में समझौता करेगी और दोनों लोगों को एक साथ लेकर चलने की प्लानिंग कर रही है, तो जो अंदरखाने से जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर दावेदारी ठोक रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने पापा की विरासत को वो संभाले और हाजीपुर लोकसभा सीट को वो कहीं ना कहीं लड़े, तो चिराग पासवान को हाजीपुर सीट को दिया जा सकता है। इसके अलावा वीणा देवी जो सांसद हैं, यानी कि वैशाली, यानी कि हाजीपुर और वैशाली, 2 लोकसभा सीट चिराग पासवान को दिया जा सकता है, तो वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को 4 सीट पर बातें कहे जाने की बात कही जा रही है। अब सवाल यह है कि भाई चाचा को ज्यादा सीट क्यों मिलेगी, तो ज्यादा सीट इसलिए मिल सकती है क्योंकि चिराग पासवान लगातार हाजीपुर को लेकर दावेदारी ठोक रहे हैं और हाजीपुर से वो दावेदारी ठोकते हैं तो उनके लिए एक बड़ा फायदा होगा कि अपने पापा के विरासत को संभाल पाएंगे। तो इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान को 2 सीटें तो वहीं चाचा पशुपति पारस को 4 सीटें मिलेगी, लेकिन शर्त ये होगी कि चाचा पशुपति पारस को हाजीपुर लोकसभा सीट को छोड़ना पड़ेगा और चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बड़ी खबर, बाकी इस तरीके का क्या आपको लगता है कि सुलह हो पाएगा, इस पर अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।